यार तुम सब लोगों ने वायरल हिट तो देख ही लिया होगा और काफी अच्छा एनिमे है जो कि भाई न्यूट्यूब यानी कि यूट्यूब की काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करता है और एक सच्चाई हमारे सामने लेके आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं यानी कि वायरल हिट जो कि है हाउ टू फाइट। और इसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है हॉबिन जो कि भाई एक यूट्यूब चैनल एक दिन खोलता है और एक वीडियो की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो यहाँ पे आज हम एक काफी अमेजिंग फाइट कवर करने वाले हैं जो कि होने वाली है हॉबिन वर्सेस पाकवो की और ये उनकी चौथी फाइट होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे इसमें स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें, बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई एक स्ट्रीमिंग चल रही होती है जिसमें कि पाकवो और हॉबिन की जो मदर होती है वो स्ट्रीम में होती है, जहाँ पे पाकवो उनको स्ट्रीम में ही उनके जो सामने के बाल हैं वो हटा देता है। और लिटरली भाई इस स्ट्रीम को हमारा हॉबिन भी देख रहा था और तुम उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि बंदा इस टाइम कितना ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद हम देख पाते हैं हॉबिन की मदर को जो कि आईने में यानी कि शीशे में अपने आप को देख रही थी घर जाने से पहले, लेकिन वो यहाँ पे सोचती है कि अगर घर वो इस तरीके से जाएंगी तो हॉबिन उनसे जरूर पूछेगा कि ये कैसे हुआ। तो इस चीज से बचने के लिए वो कैप अपने सर में पहन लेती है और वो एक चीज और यहाँ पे सोच रही होती है कि पाकवो ने स्ट्रीम करते वक्त उन्होंने कहा था कि वो डोनेशन के जरिए उनको 3 मिलियन तक भी देगा, लेकिन ये जब ही होगा जब डोनेशन से उसके पास 3 मिलियन आएंगे और जो भी चीज है वो वहां पे करने के लिए बोलेगा वो हॉबिन की मदर को करनी होगी। लेकिन हॉबिन की मदर सोचती है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो जाएगा जिससे कि हॉबिन की स्टडी भी अच्छी हो पाएगी, साथ ही में हॉबिन अपना रेंट भी दे पाएगा। इसके बाद वो घर में एंटर होती है और बोलती है मैं आ चुकी हूँ वापिस, जिस पे हॉबिन उनको देख के काफी ज्यादा खुश होता है और स्वागत भी करता है उनका। हॉबिन को सारी चीजें यहाँ पे पता होती है फिर भी वो उनके सामने रिएक्ट नहीं करता है। जब हॉबिन की मदर डिनर देखती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हॉबिन ने खुद डिनर बनाया है और वो हॉबिन को कहती भी है कि अब तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के लानी पड़ेगी। इसके बाद दोनों मदर एंड सन मिलकर अपना आराम से डिनर करते हैं, जिसके बाद हॉबिन की मदर हॉबिन को कुछ पैसे भी देती है। हॉबिन पूछता है ये किस लिए, तो उसकी मदर बोलती है कि ये तुम्हारे अलाउंस है तुम्हारी हेल्प के लिए। इसके बाद हॉबिन अपनी मदर को थैंक्स भी कहता है उन पैसों को देख के। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्नैप पर जो कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा था इस पॉइंट पे क्योंकि हॉबिन ने अभी तक कुछ नहीं किया था, तो वो हॉबिन को कहता भी है कि हमें उनके अगेंस्ट दोबारा से फाइट करनी होगी यानी कि पाकवो के अगेंस्ट। वो ये भी कहता है कि हम इस चीज को कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस पे स्नैप पर हॉबिन से पूछता है कि तुम कुछ करोगे भी या सिर्फ यहाँ बैठ के इसको देखोगे, तो यहाँ पे हॉबिन उसको रिप्लाई करता है कि तुम्हें याद है तुमने ही पहले मेरी मदर को इंसल्ट किया हुआ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं हॉबिन की एडिटर को, भाई इस एडिटर का नाम किस किस को याद है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और वो आके बोलती है कि भाई कोई भी किसी की फैमिली के साथ ऐसे मैस नहीं कर सकता, हमें उनको सबक सिखाना ही होगा। और इस बार पाकवो ने अपनी लाइन जो है क्रॉस कर दी है, इसपे वो हॉबिन से बोलती भी कि प्रेसिडेंट हम इस पे क्या करने वाले हैं, जिसपे उसकी एडिटर फिर से कहती है कि क्या मुझे अपने फादर को इस बात के बारे में बताना चाहिए। लेकिन हॉबिन उसको बड़ा अजीब सा रिप्लाई करता है कि जाओ जाके पहले अपनी नाक साफ करके आओ। जिसके बाद हम हॉबिन की गर्लफ्रेंड को भी देख पाते हैं जो कि उसको कहती है कि तुम जब भी शुरू करोगे मैं तुम्हारा इसमें ब्रॉडकास्ट करके हेल्प करूंगी। तो हॉबिन उससे पूछता है कि तुम आखिर उन चिकन की तगड़ी के साथ क्या कर रहे हो, जिसपे वो रिप्लाई करती कि मैं इनको बचा के रख रही हूँ क्योंकि अभी भी इसमें कुछ खाने लायक है। इसपे हॉबिन रिप्लाई करता है कि मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड उससे फिर से पूछती है तुम कुछ नहीं करने वाले हो आखिर क्यों, इस पे हॉबिन कहता है कि मैंने अभी तक अपनी मदर को अपने वर्क के बारे में नहीं बताया है यानी कि अपने YouTube के बारे में नहीं बताया है कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ लोगों से फाइट करके और उसे YouTube पे अपलोड करता हूँ, अगर ये मेरी बात मेरी मदर को पता चलेगी तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए वो इस चीज पे भी कुछ नहीं करना चाहता। अब हम देख पाते हैं मांगी पीछे से आता है और हॉबिन को लिटरली हवा में लटका देता है। इस पे हॉबिन उसे छोड़ने के लिए भी कहता है और मांगी उससे कहता है कि तुम इस पे कुछ करोगे या नहीं करोगे, अगर तुम इस मामले को नहीं संभाल पाओगे तो मुझे बता दो मैं जाके उनको अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन इस पे हॉबिन साफ साफ उसको मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पैर सुन गए हैं मुझे उतारो नीचे। तो मांगी फिर से हॉबिन को हैंगर पे लटका के बोलता है कि तुम सच में इसमें कुछ नहीं करने वाले हो, क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे, जिस पे हॉबिन रिप्लाई करता है मांगी को कि इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं भी कुछ भी नहीं करना चाहता हूं, तुम अपने बालों का और अपने सब्सक्राइबर का ध्यान रखो क्योंकि हम जानते हैं मांगी लिटरली गंजा है भाई, जिसको कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा भी था। मांगी उसे फिर से रिप्लाई करता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हॉबिन, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैंने तुम्हारी मॉम को पूरा भला बोलने की कोशिश की थी तो तुम मुझसे भी लड़ने पहुंच गए थे, लेकिन अभी वो तुम्हारी मॉम के साथ इतनी ज्यादा हरकतें कर रहे हो और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस पे हॉबिन कोई रिप्लाई नहीं करता है और इस ब्लैंक चेहरे को देख के
और यहाँ पे हॉबिन की गर्लफ्रेंड रिप्लाई करती कि तुम्हें कुछ तो करना होगा हॉबिन, हम सब कह रहे हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम हर तरीके से तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो तुम्हें उसे रोकना तो होगा ही। लेकिन हॉबिन इस पे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वो बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन ये सब काम पागगो से कोई और ही पर्सन करा रहा था। वो कौन करा रहा था वो तो भाई मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। अब वो अननोन पर्सन ही पागगो को कहता है एक और स्ट्रीम करने के लिए, जिसको पागगो स्टार्ट भी करता है, जिसमें कि हम देख पाते हैं हॉबिन की मदर को फिर से एक बार। और यहाँ पे पागगो फिर से हॉबिन की मदर से पूछता है कि हम एक गेम खेलने वाले जिसका नाम है वुड यू रैदर, जिस पे उसकी मदर काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि ये कौन सा गेम है, जिस पे वो कहता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर विद इन अ सेकंड देना है, और अगर आपको नहीं दे पाए तो उसके लिए आपको फिर सजा मिलेगी। जिस पे उसकी मदर एग्री हो जाती है और पागगो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हारा इकलौता सन पानी में डूब के मरेगा या फिर आग में आके मरेगा, आप इनमें से कौन सी चीज एक चूज करोगे। तो उसकी मदर कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। लेकिन यहाँ पे पागगो काउंटडाउन खत्म कहता है और कहता है कि आपका आंसर देने का टाइम खत्म हो चुका है, अब आपको इसकी पेनल्टी भरनी होगी। इस पे पेनल्टी के लिए उसकी मदर को हैंड स्टैंड करने के लिए कहता है हाथों के बल, और उसकी मदर जब हैंड स्टैंड करती है तो वो थोड़ी देर ही वहां पे खड़ी हो पाती है और वो फिर गिर जाती है। ये सभी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी और काफी सारे लोग इसको देख के इंजॉय भी कर रहे थे, मजे ले रहे थे और साथ ही में काफी सारी कमेंट भी कर रहे थे, जिसको देख के भाई पागगो भी काफी खुश होता है क्योंकि उसके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे। जिसके बाद हम स्नैपर को देख पाते हैं इस स्ट्रीम के बाद, तो भाई अपना हॉबिन अलग ही लेवल पर गुस्सा था और वो किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए स्नैपर सीधा उसके घर जाता है क्योंकि हॉबिन उसका कॉल नहीं उठा रहा था, और वो जाके उसकी मदर से वहां पे मिलता है, जिसके बाद उसकी मदर से पूछता भी है कि क्या आप किसी तरीके से रो रहे थे रूम बंद करके, तो उसकी मदर कहती है नहीं। तो स्नैपर उनसे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसकी मदर अंदर आने देती है। इस पर स्नैपर फिर से पूछता है कि हॉबिन कहां पे है, तो उसकी मदर कहती है हॉबिन बाहर गया हुआ है, और हॉबिन ये कह के गया है कि वो काफी जल्दी आ जाएगा लेकिन उसके रूम को कोई भी इस टाइम पे ओपन ना करे। लेकिन यहाँ पे लिटरली स्नैपर कहता है मैं तो नीचे हूँ, मैं तो अंदर घुस के देखूंगा कि हॉबिन कहाँ पे है। वो चिल्ला के हॉबिन का नाम उसके रूम में एंटर कर जाता है, लेकिन जब वो वहां पे देखता है तो भाई उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका रूम पूरा मैस हो रखा था, उसका प्रैक्टिस डमी फट चुका था, उसके अलावा जितनी भी लकड़ियां थी वो सब उसने तोड़ दी थी, और चारों तरफ से ब्लडी ब्लड दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो भाग के जाता है सियोंग के पास, और वो सियोंग से पूछता है कि तुम जानते हो हॉबिन कहाँ पे है, तो वो अभी तो कोई रिप्लाई नहीं करता है और वो उससे एक और चीज पूछता है। स्नैपर सियोंग से कहता है कि तुमने हमारी यार्ड को आखिर एक ट्रेनिंग एरिया क्यों बना रखा है। तो सियोंग उसे रिप्लाई करता है कि तू नेक्स्ट टाइम जूते उतार के आई हो, अगर तुझे जूतों में देख रहे तो मैं तुझे यही मार दूंगा। जिसे भाई स्नैपर लिटरली गुस्से में कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे बताओ क्या हॉबिन यहाँ पे आया था। जिस पे भाई सियोंग उसका कान पकड़ के बोलता है हाँ हॉबिन यही आया था, हॉबिन ने कहा था मुझे ट्रेनिंग देने के लिए। तो स्नैपर उससे पूछता है कि हॉबिन ने तुमसे ट्रेनिंग देने के लिए क्यों कहा था। जिस पे सियोंग रिप्लाई करता है कि वो गया है पागगो के पास उसकी जगह पे उससे लड़ने के लिए। इस पे भाई स्नैपर बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि तुमने उसे अकेले जाने दिया। तो सियोंग कहता है कि वो अपना ध्यान रख सकता है और वो उसे सबक सिखा के आएगा। हम देख पाते हैं कि पागगो भाई अपनी नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था, जहां पे वो इलेक्ट्रिक ईल लाया था उसकी मदर को खिलाने के लिए, और वो उसे प्रिपेयर कर रहा था और लिटरली हंसते हुए बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि भाई एक ईल उसके हाथ से फिसल के दूर गिर जाती है जाके, जो कि किसी के पैरों के नीचे आ जाती है, और वो बैर किसी और के नहीं थे, वो थे हॉबिन के। जिस पे भाई लिटरली हॉबिन कहता है कि तुम अपने ब्रॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस पे पागगो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे यहाँ पे लड़ने के लिए आए हो, मैंने सोचा था कि तुम इस टाइम कुछ भी नहीं करोगे। जिस पे भाई हॉबिन बहुत ही गुस्से में कहता है कि आई एम हेयर टू किल यू। इस पे वो कहता है हॉबिन से कि तुम मुझे मारोगे, लास्ट टाइम तो तुम्हारा तुक्का लगा था लेकिन इस बार तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और तुम लकी थे कि उस टाइम तुम्हारा मुक्का मुझे सही जगह पे लगा इसलिए मैं बेहोश हो गया था, लेकिन इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पागगो हंसते हुए हॉबिन से कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और लिटरली उसके बाद हॉबिन गुस्से में उससे पूछता है कि वुड यू रैदर गेम एक बार फिर से खेलोगे और विद इन अ सेकंड तुमको आंसर देना होगा। जिस पे हॉबिन उससे गुस्से में कहता है कि वुड यू रैदर अगर मैं तुम्हें तुम्हारी मौत तक मारूं। जिसके बाद लिटरली भाई हॉबिन उससे कहता है कि क्या तुम फाइटिंग में अच्छे हो, जिसके बाद वो एक जोरदार मुक्का मारता है पागगो को। इस मुक्के से भाई लिटरली अपने पागगो की नाक तक टूट जाती है। इसके बाद हॉबिन के मन में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि इसको किसी भी तरीके से खत्म कर देना है, लेकिन पागगो बहुत ज्यादा स्टाइल मार के अपनी नाक में से खून निकालता है और हॉबिन से लड़ने के लिए जाता है।
लेकिन ओपिन एक जोरदार काफ किक मारता है, अभी उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद वो इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाता और वो यही सोच रहा था कि आखिर उसके पैर के साथ क्या हुआ। ओपिन एक जोरदार अपर कट चढ़ता है और उसके साथ साथ भाई साहब सियोंग ने जो उसे किक सिखाई थी वो किक उसको सीधा मारता है, जो कि उसकी पसलियों पर जाके लगती है, जिससे कि लिटरली उसकी पसलियां तक क्रैक हो जाती हैं और वो एक एक चीज फील कर पा रहा था भाई, यानी कि बाक को इतना दर्द हो रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। बाद हम देख पाते हैं कि भाई ओपिन एक जोरदार नी मारता है पाकोगो के सर पे, उसका जो ब्रेन का स्कल है वो तक क्रैक हो जाता है। तुम देख सकते हो भाई कि लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंदे का क्या बुरा हाल हो चुका है। लेकिन इतना होने के बाद भी वो फिर से ओपिन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते कि भाई ओपिन उसको एक जोरदार किक मारता है उसके मुंह के ऊपर, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है। के बाद वो दो तीन और किक मारता है उसकी पसलियों पे, जिससे के लिए उसकी पसलियां क्रैक टूट जाती हैं बिल्कुल। अगले पैनल में हम देख पाते कि भाई पाक गो से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज किक मत मारो। लेकिन ओपिन उससे कहता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूं, जिसके बाद ओपिन उसको लगातार मुक्के और किक मारता रहता है भाई, जिससे कि बहुत बुरा हाल हो जाता है पाक गो का और वो लिटरली उसका हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है, प्लीज ओपिन मुझे छोड़ दो। जिसके बाद ओपिन उसको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, जहां पे देख पाते हैं कि उसकी मॉम यानी कि ओपिन की मॉम जा ही रही थी स्ट्रीमिंग करने के लिए, लेकिन ओपिन उन्हें बाहर ही मिल जाता है और ओपिन कहता है कि मैं बस जानना चाहता था कि आप कहाँ पे जॉब करते हो। जिसके बाद वो अपनी मदर से भी कहता है कि थैंक यू सो मच मदर, आप मेरे लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, और उन्हें कहता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है तो प्लीज मेरे साथ वापस चलो। और बस यहीं पे ये फाइट खत्म होती है। तो तुम्हें कैसी लगी ये फाइट? अगर अच्छी लगी हो तो भाई बताना कमेंट्स में, अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो हम वायरल हिट को और ज्यादा कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होने वाली है ब्लैक क्लोवर पे। तब तक के लिए बाय बाय।